नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जेएस मिल के पॉलिटिकल थॉट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेएस मिल वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम उनके यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को समझेंगे। इस पार्ट को समझने के लिए और आगे आने वाले सभी पार्ट्स को समझने के लिए पार्ट वन देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था जेएस मिल का। वो वीडियो एक फाउंडेशन बनाता है जो कि सभी वीडियोस को समझने में आपकी मदद करेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी की। तो जेएस मिल जो है, हमने पार्ट वन में देखा था कि जेएस मिल के गुरु, उनके मेंटोर, उनके टीचर थे बेंथम, और बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को पॉपुलराइज करने वाले बेंथम ही थे। तो जेएस मिल जो है वो अपने ही गुरु बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें रिफॉर्म्स करते हैं और अपने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी देते हैं। तो जेएस मिल के यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को समझने के लिए बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजिली सभी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखेंगे कि बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की क्या थ्योरी थी, और उसके बाद हम जेएस मिल के यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे मिल ने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म किया, रिवाइज किया। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फिलोसोफर या थिंकर कोई थ्योरी क्यों देता है। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मुद्दा दिखता है, तो वो उस मुद्दे के बारे में अपना एक व्यू रखता है, एक पर्सपेक्टिव रखता है, एक सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है, और उसके बेसिस पे वो थ्योरी देता है। तो बेंथम जो है वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान है, कोई भी इंसान है, वो कोई काम क्यों करता है, किस बेसिस पे वो अपना एक्शन लेता है, किस बेसिस पे वो चूज करता है कि मुझे ये करना है या फिर ये नहीं करना है। तो बेंथम जो है वो इसके सोल्यूशन के रूप में अपनी थ्योरी देते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की। तो यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मतलब है? यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटी से बना है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो बेंथम कहते हैं इंसान को जिस भी काम में दिखता है कि ये इस काम की यूटिलिटी है, इस काम की उपयोगिता है, और इसे करके मुझे प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो काम वो करता है। और जो काम में उसे दिखता है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसकी उपयोगिता नहीं है, और इसे करके मुझे पेन होगा, दुख होगा, उस काम को इंसान नहीं करता है, उसको करने से बचता है। तो ये पता लगा लेते हैं बेंथम, और यही उनके यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है। बेसिकली ये थ्योरी क्या बताती है? ये थियोरी बताती है कि इंसान जो भी एक्शन लेता है उसका बेसिस क्या होता है। तो वो कहते हैं कि इसका बेसिस होता है यूटिलिटी, और ये दो चीजों से गवर्न होता है, प्लेजर और पेन। इंसान देखता है कि किस चीज की यूटिलिटी है, उपयोगिता है, और क्या करने से मुझे प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो काम करेगा। और जिस काम में उसको यूटिलिटी या उपयोगिता नहीं दिखेगी और लगेगा कि ये करके मुझे पेन होगा, दुख होगा, वो काम इंसान नहीं करेगा। तो बेंथम कहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने इंसान को दो सॉवरेन मास्टर्स के अधीन, अंडर में रखा है, और वो दो सॉवरेन मास्टर्स कौन है? प्लेजर और पेन। इन्हीं दोनों से इंसान का एक्शन गाइडेड होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। बेंथम कहते हैं कि वो सभी काम करना चाहिए जो करके आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, और वो सभी काम करने से आपको बचना चाहिए जो करके आपको पेन होता है, दुख होता है। अब बेंथम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि जो ये प्लेजर आपको मिल रहा है ना, जो सुख आपको मिल रहा है, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि या तो आपको ज्यादा प्लेजर मिलेगा कोई काम करके, या तो कम प्लेजर मिलेगा। हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर नाम की कोई चीज नहीं होती है बेंथम के हिसाब से। इसका क्या मतलब है? बेंथम एक कोटेशन देते हैं, वो कहते हैं कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। अब ये पुष्पिन क्या है? पुष्पिन एक तरह का लूडो जैसा गेम होता था उस टाइम पे। तो बेसिकली बेंथम ये कहना चाहते हैं कि आपको लूडो खेल के जितना खुशी मिलेगा, जिस क्वांटिटी का खुशी मिलेगा, उतना ही खुशी आपको पोएट्री सुन के, कविता सुन के भी मिल सकता है। मतलब
खुशी का, प्लेजर का कोई क्वालिटी नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी वाइज जो है ये प्लेजर या पेन डिफर करता है। और बेंथम कहते हैं कि जिस तरह से प्लेजर का कोई क्वालिटी नहीं होता है, इसी तरह से इंसान का, लोगों का, पर्सन्स का भी कोई क्वालिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लेटो ने बात कही थी कि इंसान के अंदर तीन क्वालिटी होती है, तीन एलिमेंट्स होते हैं, रीजन, करेज और एपेटाइट। किसी इंसान में रीजन डोमिनेट करता है तो वो बहुत रैशनल इंसान कहलाता है, किसी इंसान में करेज डोमिनेट करता है और किसी इंसान में एपेटाइट डोमिनेट करता है। तो इससे लोगों की क्वालिटी डिसाइड होती है, उनके सोल की क्वालिटी डिसाइड होती है प्लेटो के हिसाब से। इस चीज़ को बेंथम पूरी तरह से डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल डिफर नहीं करते, हर इंसान की एक ही क्वालिटी होती है। और प्लेजर जो है, प्लेजर भी क्वालिटी वाइज बिल्कुल डिफर नहीं करता, या तो आपको ज़्यादा प्लेजर मिलेगा या तो आपको कम प्लेजर मिलेगा, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो प्लेजर, जो सुख आपको लूडो खेल के मिलेगा, वही सुख आपको पोएट्री सुन के या कविता सुन के भी मिलेगा। दोनों में कोई लेवल का अंतर नहीं है, दोनों का सुख एक ही लेवल का है। जिस चीज को आगे जेएस मिल क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि हम उनके मिल के यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। बेंथम इस हद तक बात करते हैं कि वो कहते हैं जो प्लेजर है उसको आप मेजर कर सकते हैं। मतलब बेंथम की भाषा में कहें तो आपको अगर गेम खेल के 2 किलो प्लेजर मिलेगा तो आपके बगल वाले इंसान को भी गेम खेल के 2 किलो प्लेजर मिलेगा। देखो ये चीज अगर आप ध्यान से सोचो ना, प्लेटो अगर इस चीज को एक्सप्लेन करते तो वो कहते कि अगर कोई बहुत ही रैशनल बुद्धिमान इंसान है तो उसको वो गेम खेल करके उतनी संतुष्टि, उतना सुख नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बहुत ही एवरेज इंसान है या बेवकूफ इंसान है उसको वो गेम खेल के बहुत ही सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की सोल की क्वालिटी डिफर कर रही है। इसके सोल की क्वालिटी हायर है, बगल वाले की क्वालिटी लोअर है, इसीलिए उसको ये छोटा सा काम करके खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, लेकिन उस हायर क्वालिटी वाले इंसान को, हायर सोल वाले इंसान को प्लेजर या संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन बेंथम इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि गेम खेल करके हर इंसान को उतना ही क्वांटिटी में प्लेजर या सुख मिलेगा। और बेंथम जो है वो कहते हैं कि आप प्लेजर को मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए वो एक फॉर्मूला डिवाइस करते हैं जिसका नाम होता है पेलिसिफिक कैलकुलस, जिसका यूज करके वो प्लेजर की क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। अब जो है बेंथम वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। बेंथम स्टेट को या गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप वैसी पॉलिसीज बनाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। बेसिकली बेंथम कह रहे हैं कि थोड़े से जो गरीब लोग हैं उनके बिहाफ पे आप इकोनॉमी में इंटरवीन मत करिए, उनके लिए स्पेशली पॉलिसीज मत बनाइए, क्योंकि इससे मेजोरिटी ऑफ लोगों का नुकसान होगा। अगर बेंथम इस जमाने में होते, हमारे टाइम पे होते, तो वो जो भी रिजर्वेशंस हैं वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बेंथम के हिसाब से स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। उसके लिए अगर थोड़े से माइनॉरिटी जो लोग हैं उनका सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो स्टेट को वो करना चाहिए। लेकिन मिल इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। जेएस मिल कहते हैं कि अगर एक अकेला इंसान भी कुछ बोल रहा है तो उसको भी अधिकार होना चाहिए। जेएस मिल कहते हैं कि सोक्रेटिस जो थे, सुकरात अकेला इंसान था जो उस जमाने में सच बोल रहा था, लेकिन उसको मार दिया गया और खत्म कर दिया गया, तो सच भी वहां पे, ट्रूथ भी दब गया। तो इसीलिए जेएस मिल कहते हैं कि हर इंसान को राइट मिलना चाहिए। लेकिन बेंथम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे स्टेट को क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। इससे क्या होगा, स्टेट की इकोनॉमी डेवलप करेगी, और जब स्टेट की इकोनॉमी डेवलप करेगी तो गरीबी, पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी, ऐसा बेंथम कहते हैं। तो बेसिकली बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी क्या है, बेंथम कहते हैं कि हमारे जो भी एक्शंस हैं वो दो ही चीजों से गाइडेड है, प्लेजर और पेन। हम वो सारे काम करते हैं जिसे करने से हमें खुशी मिलती है और हमें करना भी चाहिए, और वो सारे काम हमें अवॉइड करना चाहिए जो करने से हमें दुख मिलता है, पेन मिलता है। और प्लेजर का कोई क्वालिटी नहीं होता है, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्लेजर की सिर्फ क्वांटिटी होती है, प्लेजर ज्यादा या कम हो सकता है, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर जैसी कोई चीज नहीं होती है। और जैसे प्लेजर जो है वो क्वालिटी वाइज डिफर नहीं करता है, ठीक ऐसे ही लोग जो है, इंसान जो है, पीपल, वो भी क्वालिटी वाइज डिफर नहीं करते हैं, हर इंसान की क्वालिटी एक ही होती है। वो इस प्लेजर को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला भी डिवाइस करते हैं जिसका नाम होता है पेलिसिफिक कैलकुलस, और वो कहते हैं स्टेट को ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का फायदा हो सके। इससे क्या होगा, स्टेट अपने आप डेवलप करेगा, और जब स्टेट की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो
पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी थी। अगर आपको एक लाइन में बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करना हो तो आप कह सकते हैं कि बेंथम की थ्योरी कहती है कि वो सारे काम करो जो करने से आपको प्लेजर मिलता है और वो सारे काम अवॉइड करो जो करने से आपको पेन होता है। अब जेएस मिल की यूटिलिटेरियनिज्म की क्या थ्योरी है? जेएस मिल कहते हैं कि प्लेजर जो है वो ना ही सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है बल्कि क्वालिटेटिव भी होता है। तो जेएस मिल अपने गुरु बेंथम की थ्योरी को ही आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, चेंजेस करते हैं। वो कहते हैं कि प्लेजर सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं बल्कि क्वालिटेटिव भी होता है। पुष्पिन इज नॉट एज गुड एज पोएट्री, मतलब लूडो जैसे गेम खेल के आपको जो सुख मिलेगा उसको पोएट्री सुन करके जो सुख मिलेगा उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज प्लेजर डिफर करता है और जैसे प्लेजर क्वालिटी वाइज डिफर करता है वैसे ही इंसान भी क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं। जैसे प्लेटो कहते हैं कि कुछ लोग सम आर मैन ऑफ रीजन, सम आर मैन ऑफ करेज एंड सम आर मैन ऑफ एपेटाइट, मतलब कि कुछ लोगों के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, कुछ लोगों के अंदर करेज डोमिनेट करता है और कुछ लोगों के अंदर एपेटाइट डोमिनेट करता है। जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो बहुत ज्यादा रैशनल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे लोगों की क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है, लेकिन बेंथम क्या कहते थे, नहीं सब एक ही क्वालिटी के लोग होते हैं, लोगों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिल आगे कहते हैं कि जो चीज एक पिग को सेटिस्फाई कर सकती है, एक पिग को खुश कर सकती है, उसको प्लेजर दे सकती है, वो ही काम करके एक ह्यूमन बींग सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, एक ह्यूमन बींग को प्लेजर नहीं मिल सकता है। मिल कहते हैं कि एक कॉमन मैन को, एक नॉर्मल इंसान को जो एक्शन, जो काम प्लेजर दे सकता है वही काम एक सोक्रेटिस जैसे बुद्धिमान इंसान को प्लेजर या सुख नहीं दे सकता है। जैसे इमेजिन करो एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है और एक नॉर्मल इंसान है और दोनों को लूडो खेलने को बोला जाए, तो जो नॉर्मल इंसान है उसको लूडो खेल करके ही बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्लेजर मिलेगा, लेकिन जो बहुत बुद्धिमान इंसान है उसको लूडो खेल के उस लेवल का प्लेजर नहीं मिलेगा, उसको किताबें पढ़ के प्लेजर मिलेगा, उसको और भी ज्यादा रैशनल काम करके खुशी मिलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की सोल की क्वालिटी में डिफरेंस है। तो इसलिए मिल कहते हैं कि इंसान जो है वो क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं और प्लेजर भी क्वालिटी वाइज डिफर करता है। वो प्लेजर जो आपको गेम खेल के मिलेगा उसकी तुलना आप उस प्लेजर से नहीं कर सकते हो जो आपको किताबें पढ़ के मिलेगा, जो आपको गीता बाइबल पढ़ के मिलेगा। प्लेजर की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, अंतर होता है मिल के हिसाब से। जेएस मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख इंसान बनने से बेहतर है एक असंतुष्ट सोक्रेटिस बन जाना, एक असंतुष्ट सुकरात जैसा बुद्धिमान इंसान बन जाना। मतलब कि मिल कहना चाहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख बनने से अच्छा है कि मैं एक असंतुष्ट बुद्धिमान इंसान बन जाऊं। एक संतुष्ट पिग, एक संतुष्ट सुअर बनने से अच्छा है कि मैं एक असंतुष्ट मानव, एक असंतुष्ट इंसान बन जाओ। आप सब ने सुना होगा ना कि जो इंसान, जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, वो हमेशा और ज्यादा कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, अपने प्रयास में लगे रहते हैं, कुछ और ढूंढते रहते हैं, कुछ और बेटर बनने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसीलिए वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मिल कहते हैं कि लोगों की क्वालिटी में अंतर है, प्लेजर की सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। तो बेसिकली जेएस मिल अपने गुरु बेंथम की कुछ बातों को तो मानते हैं लेकिन बाद में वो उनकी थ्योरी को में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे वो ये बात तो बेंथम की मानते हैं कि इंसान का जो भी एक्शन है, जो भी वो काम करता है, वो यूटिलिटी से, उपयोगिता से गाइडेड होता है, वो वही काम करता है जो करने से उसको प्लेजर मिलता है और वो काम अवॉइड करना चाहता है जो करने से उसको दुख होता है। लेकिन जेएस मिल इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ये बात सही है कि इंसान वही काम करेगा या करना चाहेगा जो करने से उसको प्लेजर मिलता है और उस काम को अवॉइड करना चाहेगा जो करने से उसको पेन होता है, दुख होता है, लेकिन जो ये प्लेजर है ना उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी फर्क होता है, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। सिर्फ बॉडी का सेटिस्फेक्शन और बॉडी का प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल का सेटिस्फेक्शन और सोल का प्लेजर भी मैटर करता है। तो ये मिल की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी थी। अब अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करना हो तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? बेंथम ने इस चीज को शुरू किया, वो उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग के जो भी एक्शंस हैं वो यूटिलिटी
से गाइडेड हैं, उपयोगिता से गाइडेड हैं। हम वही काम करते हैं जिसकी यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, जिसे करने से हमें प्लेजर मिलता है, और वो सारे काम अवॉइड करते हैं जिसकी कोई यूटिलिटी या उपयोगिता नहीं है और जिसे करने से हमें पेन होता है, दुख होता है। अब यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बेंथम और मिल दोनों सेटिस्फाइड हैं, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ आता है? बेंथम कहते हैं कि ये जो प्लेजर है ना, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी में फर्क होता है। लेकिन मिल कहते हैं कि प्लेजर की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। बेंथम कहते हैं कि आपको गेम खेल करके जो प्लेजर मिलेगा, वही प्लेजर आपको पोएट्री या कविता सुन के भी मिल सकता है। लेकिन मिल कहते हैं नहीं, प्लेजर की क्वालिटी में अंतर है। आपको गेम खेल के जो प्लेजर मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो लोअर प्लेजर है, उसकी क्वालिटी लो है। और जो पोएट्री सुन के, गीता पढ़ के, बाइबल पढ़ के आपको जो प्लेजर मिलेगा, उसकी क्वालिटी हायर है। बेंथम कहते हैं कि जैसे प्लेजर क्वालिटी वाइज डिफर नहीं करता है, उसी तरह से लोग भी क्वालिटी वाइज डिफर नहीं करते हैं। हर इंसान की एक ही क्वालिटी है। मिल कहते हैं कि नहीं, जैसे प्लेजर क्वालिटी वाइज डिफर करता है, वैसे ही लोग भी क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं। जो बहुत बुद्धिमान इंसान होगा, उसको गेम खेल के वो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जो मूर्ख इंसान है, उसे गेम खेल के ही दुनिया का हर सुख मिलेगा, वो बहुत आनंदित हो जाएगा गेम खेल के ही। लेकिन जो बुद्धिजीवी इंसान है, जो बहुत रैशनल है, उसको किताबें पढ़ के, बाइबल पढ़ के, गीता पढ़ के, ऐसे रैशनल काम करके उसके सोल को खुशी मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। तो ये था इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन। बेंथम ने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया और मिल ने इस थ्योरी को रिवाइज किया, इसमें चेंजेस किए और अपनी यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं मिल के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।